आखिरकार इंदौर ने आज एक नया कीर्तिमान रच दिया और इंदौर के एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी गैस प्लांट का शुभारंभ जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे जो खास बात रही वो ये रही कि सांसद शंकर लालवानी का सीना 56 इंच का नजर आया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान जब इंदौर की ताई यानी कि पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का जिक्र किया और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वर्तमान के सांसद और उनके साथी शंकर लालवानी जो कि ताई के नक्शे कदम पर ही आगे चल रहे हैं और इंदौर को आगे एक नया नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, तो उसी दौरान जो है समारोह स्थल पर तालियां की गूंज की आवाज़ जो है सुनाई देने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का नाम आना ही अपने आप में एक गौरव का पल यहां पर बनता दिखाई दिया और राजनीतिक तौर पर भी जो है इसे इंदौर की राजनीतिक दृष्टि से भी जो है सांसद लालवानी का सियासी कद बढ़ाने वाला सबब माना जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान देवी अहिल्या माता का जिक्र किया, इसके साथ ही साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ की नगरी में भी देवी अहिल्या की प्रतिमा स्थापित करने की कहानी को बड़े ही विस्तार के साथ बताया, जहां एक और वो इंदौर की पीठ थपथपाने में आगे रहे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताई का जिक्र करके एक बार फिर राजनीतिक तौर पर ताई की शुचिता और आदर्शवादी राजनीतिक शैली की जो है यहाँ पर तारीफ की है और साथ ही साथ उन्होंने इंदौर के वर्तमान बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का भी बाकायदा नाम लिया है। ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि ताई के बाद अब जो साई हैं वो सियासी तौर पर जो है इंदौर को एक बड़ा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इंदौर के इस बहुप्रतीक्षित बायो प्लांट के लिए जो है लगातार सांसद शंकर लालवानी प्रयासरत थे और लोकसभा सदन के दौरान सत्र के दौरान भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बार इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की मुलाकात हो चुकी थी और बाकायदा इस पूरे कार्यक्रम का जो विस्तार से ब्यौरा है वो भी उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष रखा था। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात के लिए प्रयासरत रहे थे कि इंदौर में होने वाले इस बड़े शुभारंभ के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर आए। हालांकि वर्चुअली ज़रूर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का इस प्लांट का जो है शुभारंभ कर दिया है, लेकिन अपने संबोधन के दौरान इंदौर के सांसद का जिक्र होना ही अपने आप में सियासी तौर पर सांसद शंकर लालवानी को सुर्खियों में बना रहा है।